जय श्री राम। तो आपको कैसा लगा भंडारा? कड़ी कैसी लग रही है जो छोटू? कैसी लग रही है? एक नंबर। अपनी गाड़ी के अंदर मैं यहाँ बैठा हुआ, ये भाई पीछे लटके हुए हैं और ये तो आगे खैर लटका ही हुआ जब से, और एक ऊपर लटका हुआ जब से। जय श्री राम, जय बजरंग बली जी की। तो दोस्तों, मैं हूँ आप सबका खास दिल्ली से सागर बदमाश। तो दोस्तों, आप सभी को 2024 की पहली दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये त्योहार आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, यही कामना करता हूँ मैं भगवान से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दिन का हम सब ने कितने सालों से इंतजार करा है, तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और प्रभु श्री राम जी की आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी है। तो ये त्योहार आप सब पूरे धूमधाम से मनाएं और हम भी ये त्योहार मनाने अभी मंदिर जा रहे हैं। तो मंदिर के अंदर हम सब भाइयों ने मिलकर एक छोटा सा भंडारा रखा है, तो फिर अभी मैं वहीं जा रहा हूँ मंदिर। तो दोस्तों, तुम्हारा भाई भी हो चुका है नहा धो के एकदम चकाचक रेडी, एकदम टिप टॉप बन गए। तो तुम्हारे भाई ने आज पहना हुआ है पीला कुर्ता और नीचे पजामा और ये भगवान जी का पटका। तो अब बस मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ मंदिर, क्योंकि आज हम सारे भाइयों ने मिलकर एक छोटा सा भंडारा रखा हुआ है और मंदिर के अंदर पूजा भी है। तो पहले हम पूजा करेंगे और उसके बाद भंडारा लोगों में बांटेंगे और फिर जैसा जैसा होगा मैं आपको दिखाते रहता हूँ। तो तुम्हारा भाई हो चुका रेडी और देखो कैसा लग रहा, तुम्हारा भाई लग रहा है एकदम हीरो लग रहा है ना। तो चलो फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। तो चलो चलते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके मंदिर। जय श्री राम, जय बाबा बजरंग बली जी की। तो दोस्तों, ये है हमारा मंदिर और ये रहे हमारे बजरंग बली महाराज जी। तो यहाँ पर हर मंगलवार को हम हनुमान चालीसा और पूजा करते हैं। तो ये पास से देखे आप मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर है। तो ये रहे हमारे भगवान जी और यहीं पर हम सभी बैठ के हर मंगलवार को हनुमान चालीसा करते हैं, पूजा करते हैं। ये अभी कुछ डेक का सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ, भजन चला रखे थे हमने। और यहाँ पर भाई लोग कड़ी पत्ता साफ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर भंडारा करवा रहे हैं कड़ी चावल का। तो ये भाई लोग कड़ी पत्ता साफ कर रहे हैं। तो अभी मैं आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो भंडारे की तैयारी हो रही है, तो अंकल लोग भाई लोग हमारे सारे मिल के यहाँ पर कड़ी बना रहे हैं। कुछ निकाल अंकल, क्या हो गया? तो ये कड़ी बन रही है। है? तो ये हमारे भंडारी जी। जय श्री राम भाई। तो भाई कैसा लग रहा आज आपको? आज बहुत ही आनंदमय दिन है हमारे लिए। आज हमारे प्रभु हमारे घर आ रहे हैं, 500 साल के बाद हमारे प्रभु की कृपा हुई है हमारे ऊपर, जिससे आज हम ये सब महत्वपूर्ण कार्य सभी भाइयों के साथ कर पा रहे हैं। और एक हमने छोटा सा भंडारे का आयोजन किया है हमारे मंदिर पर, जहाँ हम सभी आस पड़ोस में और जितने भी हमारे भाई आते हैं उनके साथ हम भंडारा वितरण करेंगे। और आज हमने अभी दिन में हनुमान चालीसा का भी पाठ रखा है, भंडारे का भी पाठ रखा है और रात में दीप प्रज्वलित का भी हमने प्रोग्राम रखा है जी। और एक बार मेरे साथ सभी भाई जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ पर भाई लोग चला रहे हैं कड़ी और ये एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे हैं अंकल लोग सब मिलके। तो अंकल जी कैसा लग रहा है आज आपको? आज हमें अच्छा लग रहा है, भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हम भी उस खुशी में अपना यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं और सारे लोग इकट्ठे हैं। बड़े खुशी के साथ में शाम को दीप जलाएंगे और मंदिर को सजाया है हमने सभी ने। तो यहाँ पर अभी कड़ी बन के तैयार हो रही है और ये सब भाई लोग अंकल लोग सब मिल के तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम भंडारा करवा रहे हैं कड़ी चावल का। तो ये चावल भी साफ हो चुके हैं और वहाँ पर कड़ी भी बन के तैयार हो रखी है। अभी बस यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई और करवानी है हमें, अभी थोड़ा बिखरा हुआ क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से तैयारी चल रही है। तो ये हमारे अंकित भैयापुरी है भाई दोबारा यहाँ पर। भाई बोल तो दो फिर, राम राम भाई सारे ने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो भाइयों, धूप भी एक नंबर की धूप निकली हुई है इस टाइम पे और तुम्हारा भाई पीले रंग का, तुम्हारे भाई का कुर्ता और पीले पीले रंग की कड़ी बन रही है वहां पे। तो अभी यार उधर धुआं हुआ हो रहा था तो थोड़ा इसको भाई एक बार और। तो भाइयों, यहां पर अभी गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं हम सब मंदिर के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, सबके ऊपर। तो सारे भाई गंगा जल का छिड़काव करके एकदम हो जाएंगे पवित्र और मन तन धन सब पवित्र हो जाएगा एकदम। जय गंगा मैया की। जय श्री राम, अपनी गाड़ी आ चुकी है, अब चलते हैं थोड़ा एक बार
नारे लगा के आते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, अभी हम गए थे शोभा यात्रा के अंदर भाई, एक नंबर का मजा आया भाई, एक नंबर का सोनू भाई मजा आया, भाई मजा आया, एक नंबर का मजा आया भाई, भाई सारे भाई गाड़ियों पर लदे हुए थे, सारे भाई कोई भाई डीजे के ऊपर खड़े हैं, हम अपनी गाड़ी के अंदर मैं यहाँ बैठा हुआ, ये भाई पीछे लटके हुए हैं, और ये तो आगे खैर लटका हुआ जब से, और एक ऊपर लटका हुआ जब से, सारे भाई जब से ऐसी भाई एक नंबर का मजा आया। लेकिन अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, तुम देखते ना बहुत भीड़ थी बहुत। अब आप देख रहे सोनू भाई कैसे खेचा मारते, सोनू भाई एक खेचा दिखा दो बंदों को, ये देख रहे भाई खेचा, सोनू ही कह रहा है मार्केट में। तो गाइस अभी हम जा रहे मंदिर, फिर उसके बाद वहां पर भी पहले थोड़ी डांट सुननी पड़ेगी, इसी वजह से थोड़ा इसने बोला था भाई गाड़ी निकाल लेते, तो हमने निकाल ली, फिर हम आगे से ले गए थे, पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। तो फिर उसके बाद मतलब शोभा यात्रा के साथ साथ हम आगे बढ़ते गए, फिर यार बैग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो हमने कहा थोड़ा अच्छे से भाई इंजॉय करते, तो भाई एक नंबर का मजा आया। कैसे भाई लग रहा तेरे को डर ऊपर चढ़ने में? बिल्कुल नहीं लगा भाई, ये ऊपर चढ़े हुए है, वो आगे एक बैठा हुआ है, बट एक अच्छा लगा भाई। और अपने सोनू भाई तो है ड्राइवर ऑटोमेटिक गाड़ी के भाई, चलती गाड़ी से उतर जाते हैं भाई। भाइयों अभी यहाँ पर हनुमान चालीसा हम करेंगे, तो बच्चे बड़े सब आ गए। सिंदूर हनुमान जी राम राम, जय जय हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, हमारा ओ राम सिया गोविंद रावे, भारत देश हमारा ओ राम सिया गोविंद रावे, काशी यही है यमुना यही है, तो जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। तो भाइयों सुबह मैंने जैसे आपको मंदिर दिखाया था जब मैं आया था, और उसके बाद अभी हम तैयारियों में लगे हुए थे, कुछ हमारे बड़े भाई लोग सब मिलके भंडारे की तैयारी कर रहे थे, अभी हमने चालीसा करी, और जब तक जो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने देखो एक बार मंदिर कैसा कितना प्यारा सजाया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आगे ऊपर आ जाइए। तो भाइयों जैसे कि देख सकते हैं सुबह हमने आपको बजरंगबली बाबा दिखाए थे, फिर अभी हमने बजरंगबली जी को पगड़ी पहनाई है और इनका श्रृंगार भी करा है, और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने देखो कितना प्यारा सजाया हुआ है मंदिर, ये देखो गुब्बारे में भी जय श्री राम लिखा हुआ है, कई तरह के गुब्बारे लगाए हैं, कई सारी चीजें करी है, और मंदिर में बहुत अच्छे से सफाई करी है, पोछा वगैरह बहुत सारी चीजें लगाई है, और अभी इधर देख सकते हैं आप कितना अच्छा बच्चों ने डेकोरेशन करा है। तो अभी इसके बाद अब बस थोड़ी देर में हम भंडारा भी शुरू करेंगे, और सभी भाइयों को भंडारा बांटेंगे, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग साथ छोटे बड़े भाई जो भी हमारे जो भी भंडारे में आएंगे सबको भंडारा देंगे, और अभी दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस, तो आइए चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम भाइयों। जैसा कि अभी हमने आपको मंदिर दिखाया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्याओं को प्रसाद वितरण कराया जा रहा है, और कन्याओं को जिमाया जा रहा है, तो बाकी भंडारी जी बोलेंगे। जय श्री राम सभी भाइयों को,
अभी हमने हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद आरती करी प्रभु की, प्रभु की आरती करने के बाद जो हमने अभी भंडारा बनाया है उसमें सबसे पहला भोग हमने अपने प्रभु को लगाया है, उसके बाद हमने सबसे पहला भोग हमारी कन्याओं को लगाया। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी कन्याएं सबसे पहले माता बहनें पूजी जाती हैं, तो हमने सबसे पहले कन्याओं को खिलाया, उसके बाद अब प्रसाद वितरण किया जाएगा, भंडारा वितरण किया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस ये दोनों बोल रहे हैं कि पन्नी में लेके जाएंगे घर पे, पन्नी हमने लेके जाएंगे, पन्नी बना भाई, भाई पत्थर लेके जाने घर पे, ठीक है भाई, पन्नी की बना है, पन्नी की बना भाई। तो भाइयों अब तुम्हारा भाई सुबह से बस एक बार चाय पी थी मैंने, फिर उसके बाद मैं आ गया था, अभी शाम के कितने बजे भाई, चार, चार के आसपास हो गए, अब तुम्हारा भाई प्रसाद खा रहा है कढ़ी चावल एक नंबर के, पांच मिनट गए भंडारे के प्रसाद के अंदर ना एक मतलब अलग ही मजा आता खाने का। ये अपने भाई लोग, तुम्हारे भाई ने टंकी की टेबल बना दी यहाँ पे, टंकी के ऊपर बैठ गई, मतलब टंकी के ऊपर रख गई, एक नंबर का मजा आ रहा। तो गाइस ये अपना छोटा भाई कड़ी की चुस्कियां लेते हुए, भाई कड़ी कैसी लग रही है जो छोटू, कैसी लग रही है, एक नंबर। तो ये प्यारी सी भैंस से मिलने भी मैं आ रखा हूँ, तो ये क्या कहना चाहेगी, तो आपको कैसा लगा भंडारा, नाइस लगा भंडारा और कुछ। तो ये अभी थोड़ा रूड है थोड़ा ये, तो ये आंखों से इशारा करके कह रही ओके ही बना था एकदम। तो अभी इंटरव्यू में ये इस वाली से पूछते हैं, तो अब इस वाली से भी हम पूछ सकते हैं, लेकिन शायद इनको हिंदी नहीं आती, ये इंग्लिश में कम्फर्टेबल है, तो इंग्लिश तो खैर अभी मैं बोलूँगा नहीं, तो दोबारा इसी के पास आ जाते हैं। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे आपको, भंडारा कैसा लगा गाइस? ये कान हिला के कह रही वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। तो गज्जा भाई क्या कहना चाहोगे आज के हमारा जो हमने करवाया, तो किस तरीके का लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया से आगे कुछ बढ़ के। आज हमारा भंडारा बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। पिन्नी भर के और लेकर गए घर पे, हर महादेव। तो भाई ये बताओ ये पन्नी वन्नी वाला सिस्टम क्या लेके गए आज घर पे, क्यों लेके गए घर भाई साहब? ये तो जरूरी है ना। तो एक ये बच्चे क्या दो बार पन्नी में लेके गए, अगर भाई साहब अगर हम घर नहीं ले जाएंगे तो कूड़े में थोड़ी फेंकेंगे हम। तो ये क्रिस अभी मेरे यहाँ पर बहुत सारा भंडारा है, वो मतलब कम नहीं है, तो भाई कम नहीं पड़ेगा, ये इतना सारा है ये। तो दोस्तों ये हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनों ने यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से दीपक जलाए, जय श्री राम। तो और ये हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंगबली बाबा, और ये मंदिर भाई देखो रात में कितना प्यारा लग रहा है। मेरे प्यारे राम भक्तों, मेरे भाइयों, तो भंडारा हम सब ने बांट दिया है और भंडारा खत्म, और अब बर्तन वगैरह सब ने मिलके धो दिए यहाँ पे सभी राम भक्तों ने। तो उसके बाद अंकल ने मंगवाई है चाय हमारे लिए, तो फिर अभी हम सारे भाई मिलके पी रहे हैं चाय और ले रहे हैं चाय की चुस्कियां। इधर भी है, इधर भी है, वीआईपी, वीआईपी कौन? तो यहां पर जोलाई नहीं कह दें भोगली जी कड़ी रखी है। तो गाइस अभी हम पी रहे हैं सारे मिलके चाय, सारा काम हमने कर दिया फिनिश, तो फिर अब चाय की चुस्कियां लेते हुए सारे भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी इसके बाद हम चलते हैं घर और फिर दिखाते हैं आगे का। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरे भाइयों फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है अब घर में, बाहर तो भाई बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करा, अब तुम्हारा भाई आ चुका है घर में। तो यहाँ मम्मी बना रही है पकवान, हेलो मॉम। तो बताओ मम्मी क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ देसी घी का हलवा। अच्छा, तो अब बताओ आज का त्योहार आपको कैसा लगा, कैसी फीलिंग आ रही है आज के त्योहार में? आज का त्योहार बिल्कुल दिवाली जैसा लग रहा है मुझे तो, और श्री राम आए हैं तो इस खुशी में और भी ज्यादा बढ़ के भी खुशी हो रही, इससे भी एकदम दिवाली जैसी फीलिंग आ रही भाई मेरे को तो ना, बिल्कुल बच्चों दिवाली जैसा ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लो दिवाली हो रही हो। हाँ, बिल्कुल दिवाली जैसा ही लग रहा है, लोगों ने लड़ी वड़ी भी लगा रखी है अच्छे से, है ना। और बच्चों हमने बड़े अच्छे से मनाए त्योहार, दिए भी जलाए और हलवा भी बनाया। तो भाई मम्मी ने अभी वहाँ पे दिए हुए भी रखे हुए, मैं तो खैर बाहर गया हुआ था, अभी आके मैंने पूजा करी तो मम्मी ने दिए हुए लगा के सब कुछ कर रखा था। मम्मी भाई अपने खाना वाना बना रही है प्रसाद में, जो भी मम्मी हलवा बना रही है और उसके बाद भी कुछ कुछ चीजें बना रही है।
तो मम्मी क्या बोलना चाहोगे लोगों को, कैसे मनाएं त्योहार को? भाई मैं तो यही कहूंगी कि सब अच्छे से मनाएं इस त्योहार को, बहुत अच्छा त्योहार है, खुशी अर्ष खुशी का त्योहार है, खूब जोश से मनाओ अच्छे से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा बजरंग बली जी की जय। तो दोस्तों इस तरीके से मनाया तुम्हारे सागर बदमाश ने ये प्यारा प्यारा त्योहार जो कि अब हर साल दिवाली की तरह मनाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को करना लाइक, कमेंट, शेयर और अपने भाई के चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि इससे हमें मिलता है मोटिवेशन। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली जी की जय हो।